इकड़े बाइक का अलाउड नहीं करत। एक तो मैं रुकता नहीं हूँ और अगर रुक गया तो मेरा मन नहीं होता आगे जाने का ऐसे इनको छोड़ के। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं ना तो उनका कहना है कि हम लोग सिंगल पर्सन को रूम नहीं देते हैं रेंट पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीसी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ अभी काटोल में और यहाँ से मैं जाऊँगा माहूरगढ़ और यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर रहेगा। तो हेलमेट अपना है, छोटी सी बैग लाई है, पीछे एक बैग है और फर्स्ट टाइम अभी काटोल पे हूँ मैं। बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, अभी शंतनु आएगा एंड उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सुबह मैं ट्रेन से आने वाला था, यहाँ तक मेमू है यहाँ पे नागपुर से काटोल तक, लेकिन थोड़ा लेट हो गया मुझे, इसके लिए फिर मैंने सोचा कि बस से चले जाते हैं। और बस से मुझे अभी लगे कम से कम, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डेढ़ घंटे में मैं पहुंच गया। एंड बाय द वे हियर ही इज शंतनु। हाय, बस बढ़िया। इसको आपने नागपुर वाले ब्लॉग में देखा रहेगा, अगर नहीं देखा है वो ब्लॉग तो जाके देख लो। इसके बाद अभी इसके घर जाना है, वहाँ पे बैग रख दूंगा बाइक पे और निकल जाऊंगा। A few moments later. Hey. चलो बाय। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कोई तो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला बाइक चलाने मिल रहा है। थैंक्स टू शंतनु फॉर हिज बाइक। कैसा था ये? ए माझा चॅनल आहे यूट्यूब वर। कुठे? आता अरे बाप रे, काका ने डरा दिया मेरे को। आगे जो टोल नाका है उसके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है बाइक वाले का। पेट्रोल फुल हो गया शायद इसका अभी 500 रुपये में, क्या मालूम। अभी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया। एक राइडर है तो उसकी 2 तारीख को नागपुर में शादी है, तो उसके शादी में जाना था तो मैं 1 तारीख को आने वाला था और उसके पहले गाँव में घर पर फंक्शन भी था, इसके लिए फिर सोचा कि पहले निकल जाता हूँ मैं। एंड निकलने के बाद मालूम पड़ा कि फंक्शन कैंसिल हुआ है, तो अभी ऑप्शन ही नहीं है। आने के बाद 2 दिन मुझे नागपुर में रुकना पड़ा और आज मैं फाइनली काटोल आ गया। काटोल से अभी इसकी बाइक ली और इसके बाद अभी मैं अभी जा रहा हूँ माहूर। तो अभी मैं जा रहा हूँ कोंडाली रोड से, तो मुझे पहले वर्धा लगेगा और उसके बाद माहूरगढ़। तो अभी माहूरगढ़ में मैं सोच रहा हूँ कि होटल ले लूँ एक आधा, वहाँ पर स्टे करूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह दर्शन लेना है और जितने जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि बीच में मुझे फिर से पांडरकवड़ा भी रुकना है एंड उसके बाद फिर रात तक नागपुर पहुंचना है। ये अभी का प्लान है, आगे क्या होगा मालूम नहीं। कुछ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा लग रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने एंटर किया वहाँ पे भी नाकाबंदी जैसा था, पिछले बार भी जब मैं अमरावती से जा रहा था मुंबई तभी ऐसा ही सीन था। वो तो प्रॉपर सेंचुरी थी, नसीब से कुछ दिखा नहीं, वो बात अलग है। वर्धा 27, नागपुर 100, अमरावती 84। चलो अमरावती निकल जाते हैं अभी। नेशनल हाईवे 647। अभी एक ब्रेक की ज़रूरत है क्योंकि एज यूजुअल मेरा जो हेलमेट है वो दर्द देने लग रहा है अभी मुझे। मैं थोड़ा और धीरे जाऊंगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को सनसेट ऑन द वे देखना था। मैं जल्दी आ गया थोड़ा, अभी 4:30 बज रहे हैं। मस्त सी जगह दिखी है अभी एक फ़ोटो के लिए, ये देखो क्या सही दिख रहा है। अभी कैमरा में इतना नहीं समझेगा लेकिन मैं जो देख रहा हूँ काफ़ी सुंदर है। इसके लिए यहाँ पर एक फोटो बनता है ना। सो ये समृद्धि महामार्ग है, वर्धा स्टेट है, वर्धा जाना है मुझे। एंड यहाँ पे अभी GoPro की बैटरी चेंज करने के लिए रुका था। बाइक है इसके लिए मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन पोस्चर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी तो एकदम गाड़ी मक्खन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी सनसेट होने वाला है और ज़्यादा गर्मी नहीं है उसकी वजह से और भी मज़ा आ रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो अभी मैंने माहूर में कुछ लॉज में कॉल करके पूछा था रिगार्डिंग रूम, तो उनका कहना है कि हम लोग सिंगल पर्सन को रूम नहीं देते हैं। ये क्या लॉजिक है मुझे मालूम नहीं, बट अभी नहीं बोला है तो मैं माहूर तक तो नहीं जा सकता, इसके लिए वर्धा में रिलेटिव्स है तो वर्धा में ही रुक जाएंगे एंड कल सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलेंगे। ये भी कॉल अभी तक मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है, मुझे एक्चुअली ऐसा करना है कि जितना जल्दी मैं दर्शन करूँ उतना अच्छा है, तो सोच रहा हूँ कि माहूर के आसपास कहीं पे अगर लॉज मिल जाता है तो वो भी चल जाता है अपने को, तो वो देख रहा हूँ मैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वर्धा में ही रुकना पड़ेगा मुझे। इकड़े बाइक का अलाउड नहीं करत, गाड़ी की स्पीड ही है। अच्छा, एक्सप्रेस वे आहे ना, तसा आपला नॅशनल हायवे असला तर आपण कुठे यू टर्न वगैरे करू शकतो, इथे नाही होत, वन वे आहे ना म्हणून त्याच्यामुळे। आणि गाडीची स्पीड म्हणतो ना तो अनलिमिटेड ऑटोमॅटिक वाढते स्ट्रेट रोड असल्यामुळे, कसं आहे टर्निंग वर्निंग जर असली आपला नॅशनल हायवे असते ना टर्निंगवर तर माणसाला चेतावणी असते का नाही बट टर्निंग आहे स्पीड ब्रेकर आहे आपण लिमिट स्पीड आपण कमी जास्त करू याच्यावर नाही होत, जर याच्यावर मॅक्झिमम जरी आपण 70-80 जे नॉर्मल स्पीड आहे जशी सुरू केली तो ऑटोमॅटिक स्ट्रेट पाहत आहे ना गाडी कशी 200 त्याचे आयडियाच नाही आहे ते आहे ठीक आहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह निकलना था 6 बजे, ओ माय गॉड चश्मा पीछे ही रह गया, मैं अभी निकल रहा हूँ 10:40 को। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बुटी बोरी यवतमाल 65 लेफ्ट, ओके। नागपुर से वर्धा पास में है लेकिन मुझे बाइक लेने जाना था, इसके लिए मैं काटोल जाके आया जो मुझे थोड़ा लंबा पड़ा, बट उसके बाद जो मज़ा आ रहा है इस मशीन को चलाने में, आय हाय हाय। एक तो मैं कभी ऐसे पोजीशन में लीन पोजीशन में मैंने बाइक नहीं चलाई है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इतना लॉन्ग रूट लेना मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहा बाद में, मतलब राइड के वक्त इतना कुछ फील नहीं हुआ लेकिन जैसे ही मैं घर पे गया मेरा बैक अकड़ गया था, तो वो एक प्रॉब्लम मैंने कल रात को फेस किया, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है। और झुकने की वजह से हेलमेट आगे की साइड आ रहा है तो गर्दन पे प्रेशर आ रहा है और कैमरा उसमें है आगे तो उसका अलग वजन वो आगे साइड खींच रहा है, लेकिन सोने के बाद नींद कंप्लीट होने के बाद रेस्ट लेने के बाद एकदम रिलैक्स हो गया और मैं एक्सरसाइज भी उसका चालू रखता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, उसकी वजह से फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है कुछ। शंतनु ने कल मुझे यही रूट बोला था लेकिन मैं गलती से या फिर मालूम नहीं मैप के हिसाब से आया तो मैं बहुत अंदर से आया जो आपने देखा। ये टैलेंटेड आदमी देखो अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड से जा रहा है मस्त एकदम। अभी एक रिलैक्सेशन ब्रेक लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है राइड करके, रास्ते एक नंबर है, कोई सवाल ही नहीं, आपने भी देखे। अय हाय हाय, ये लू, हाँ ये मैं हमेशा बिस्किट कैरी करता हूँ, आज मेरे ध्यान में नहीं रहा। चलेगा मेरे साथ? चलेगा, एक तो मैं रुकता नहीं हूँ और अगर रुक गया तो मेरा मन नहीं होता आगे जाने का ऐसे इनको छोड़ के, बट ठीक है। बाय द वे बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइस, लेकिन कल जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, मतलब कल पहला दिन था शायद इसके लिए फिर मुझे वो तकलीफ हुई रहेगी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, नींद भी पूरी हुई है, मेरे छाँव में आराम कर रहा है तुम, अरे सो गया ये। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं ना तो एक दो बिस्किट के पैकेट साथ में रखो, मतलब ऐसा कुछ होता है ना तो इनको खिला सकते हैं। इसको मैं नीचे छोड़ के आया था फिर भी ऊपर आ रहा है, यार इसका क्या करूँ मैं, चलो थोड़ा आगे जाता हूँ मैं। अरे नहीं रे, नहीं ना, मुझे रोना आता है यार ऐसे टाइम पे। को कहाँ पे लेके जाओ, ये रो रहा है शायद, आई एम हेल्पलेस, टोटली हेल्पलेस। पीछे मंदिर है, लेके जाओ क्या उसको। चलो एक ट्राई करते ही है अभी ये वाला मंदिर में, इसको मैं छोड़ के आता हूँ। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो मंदिर में शक्कर का डब्बा है
वही उठा के लेके आया, चक्कर निकल गया। अभी ऑप्शन नहीं था मेरे पास भी कुछ, लेकिन ये मेरे को जाने नहीं दे रहे। मुझे बहुत जल्दी कल्टी मारनी पड़ेगी यहाँ से। अभी देखता हूँ मैं, अभी ऐसे घूमता हूँ थोड़ा। अरे पी ना मेरे भाई, ये ले एक इकड़े, गे गे आगे गे। भागो, अरे देवा क्या करूँ इसका मैं। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। अभी पीछे नहीं आने का अजीबत। ए अभी मैं बहुत तेजी से यहाँ से निकलूंगा। आई कॉन्ट डू एनी थिंग ब्रो, आई एम सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है लेकिन नहीं कर सकता मैं। शिट, अरे हर महादेव, मैं पहुंच भी गया माहूर। मुझे लगा था 12:30 बजे पहुंचूंगा लेकिन अभी 1 बज रहा है। नॉट बैड, बीच में वो सिर्फ डॉगी का सीन हुआ इसके लिए फिर लेट हुआ, बाकी जल्दी पहुंच गया फिर मैं तो। ऑलमोस्ट अभी 5 मिनट या 7 मिनट में ऊपर पहुंच जाऊंगा मैं, और वहां पे एक पहचान के है, उनके पास बैग रखनी है एंड इसके बाद फिर मंदिर में जाऊंगा। यहाँ से आदिलाबाद इज 83 किलोमीटर, हैदराबाद इज 357। बस मैं मोस्टली जाते वक्त यही रोड से जाने वाला हूँ मैं मोस्टली, क्योंकि पांडरकवड़ा भी आदिलाबाद के ऑलमोस्ट मतलब पास ही है। सो लेट्स सी ये रास्ता है या दूसरा है, वो जाते वक्त देखेंगे। अभी थोड़ा घाट सेक्शन है, उसके बाद माहूर गांव है एंड उसके आगे मतलब ऊपर जाके मंदिर है। ये वीडियो मैं अभी यही पे एंड करता हूँ, अगले वीडियो में माहूरगढ़ की पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।